हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभु। जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने एक डाटा बना के रखा है, जैसे मैंने हेडिंग दिया है यूज ऑफ लॉजिकल फंक्शन। अब समझते हैं लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल कब किया जाता है। जैसे लॉजिकल मतलब क्या है, जो भी एक फॉर्मूले बताने वाला हूँ उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन होगा, तार्किक होगा। जैसे एंड, इफ, आर, ऐसे से फार्मूले जो होते हैं वो हमारे एक प्रकार के क्या होते हैं, उसमें कंडीशन दर्शाए जाते हैं। अगर कंडीशन की कभी बात आ जाती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल फंक्शन में जैसे इफ लॉजिकल फंक्शन होता है, आर वो भी लॉजिकल फंक्शन होता है, एंड लॉजिकल फंक्शन होता है, ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे लॉजिकल फंक्शन होते हैं, जिसमें से हम यहाँ पे आपको बताएंगे इफ एंड और आर फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे मैंने क्या किया है, एग्जांपल में एक डाटा बनाया है, यहाँ पे सीरियल नंबर, मैंने सीरियल नंबर बनाया है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मैंने एक हेडिंग दिया है कस्टमर ने, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उनका यहाँ पे नाम टाइप किया है। उसके बाद से यह टोटल बिल मतलब इन्होंने कितने का खरीदारी किया था। उसके बाद से यह प्रोडक्ट मतलब कौन कितना प्रोडक्ट था, इन्होंने 4 प्रोडक्ट खरीदा था, कितने का, तो 11,000 रुपए का, किसने, कृति चौबे ने। तो हमने एक डाटा बनाया है। अब आइए क्या करता है लॉजिकल फंक्शन, इसमें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने इतना लिस्ट बनाया है, अब आइए किसी ने कह दिया कि आपको क्या करना है, टोटल बिल मतलब एक कंडीशन दे दिया उसने, मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है इफ कस्टमर का बिल ग्रेटर देन 5,000, मतलब अगर ओनर ने ऐसा कंडीशन दे दिया जो कस्टमर 5,000 से ज्यादा परचेज करेगा, उसे क्या करना होगा, उसको मुझे डिस्काउंट देना है। कितना डिस्काउंट देना है, तो 10% डिस्काउंट देना है, उस अमाउंट का डिस्काउंट देना है को जो 10,000 से हमारा क्या है, यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लगाया है पूरा 11,000 आया है, 11,000 का पूरा मैंने क्या देना है, 10% डिस्काउंट देना है। अब यह नहीं कि 5,000 के बाद जो आए उसमें से डिस्काउंट देना नहीं, लेकिन कंडीशन हमारा कैसा फॉलो होगा। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दिया है, इसके लिए कैसे फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो ये फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूले का इस्तेमाल करना कई बार बता चुका हूँ। आइए यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 5,000 डिस्काउंट 10% देना है। कैसे निकाला जाएगा, तो मैंने यहाँ पे देखिए निकाल के रखा है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा कंडीशन है, यहाँ पे जो भी है टोटल बिल 11,000 दिखा रहा है, तो डिस्काउंट 10% दिखा रहा है। अगर जैसे मैं यहाँ पे चेंजिंग कर रहा हूँ, मैं 5,000 रुपया लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे इंटर बटन दबा रहा हूँ। देखिए जैसे इंटर बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 0 बता रहा है। मतलब क्यों बता रहा है कि मेरा कंडीशन है 5,000 से ऊपर होनी चाहिए, और यहाँ पे देखिए 5,000 है, इक्वल टू भी नहीं है। मैं क्या कर दिया, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल लगाया होता तो मेरा कंडीशन फॉलो होता। तो ऐसे मैंने कैसे इसको निकाला है ये हम सीखेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद से हम ये फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू और इफ, और फिर से मैंने ओपन किया ब्रैकेट को। अब कह रहा है लॉजिकल टेस्ट, मैं बता चुका हूं पिछले क्लास में लॉजिकल टेस्ट में क्या सेलेक्ट करते हैं। तो लॉजिकल टेस्ट में मुझे जिसके हिसाब से निकालना होता है वो मुझे सेलेक्ट करना होता है। मुझे टोटल बिल के हिसाब से निकालना है, तो मैंने एक टोटल बिल को सेलेक्ट किया। मेरा कंडीशन है ग्रेटर देन 5,000, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी लॉजिकल टेस्ट में अपना कंडीशन भी देना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 5,000, और फिर से क्या कह रहा है, कामा लगाइए, तो मैंने कामा कर दिया। और देखिए फिर से क्या पूछ रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू ट्रू में क्या होता है, वैल्यू ट्रू का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब मुझे जो मैंने कंडीशन लगाया है उसके बाद से ट्रू में क्या देना है, तुम्हें जो तुम्हें देना है, आपको डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे डिस्काउंट टाइप करेंगे, या कोई इनाम मुझे देना है उस आइटम का नेम लिखेंगे, मुझे क्या करना है 10% डिस्काउंट देना है, तो इसको डबल इनवर्टेड कामा में और 10 टाइप करना है। और फिर से मैंने क्या किया, डबल इनवर्टेड कामा मैंने क्लोज किया, और उसके बाद से फिर से कामा किया। अब कह रहा है वैल्यू इज फॉल्स, मतलब क्या कहता है, वैल्यू फॉल्स यह कहता है कि आपको आपने जो कंडीशन लगाया है अगर यह कंडीशन फॉलो ना हो तो आप क्या देना चाहते हैं,
जीरो देना चाहते हैं या इसके अलावा 2% 5% जो भी देना है इसके अलावा आप दे सकते हैं। अगर मुझे नहीं देना है तो डबल इनवर्टेड कॉमा में जीरो किए और डबल इनवर्टेड कॉमा बंद किए और ब्रैकेट को बंद किए। अगर जीरो के जगह 5 देना होता तो हम 5 टाइप कर सकते थे और मैंने इंटर बटन दबा दिया। देखिए जैसे मैंने इंटर बटन दबाया हमारा रिजल्ट आया जीरो। क्यों जीरो आया? क्योंकि जो मेरा कंडीशन कितना था 5000 मतलब ग्रेटर देन 5000। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5000 रुपया है, मतलब क्या यहाँ पे कम है उससे। जैसे मैं ज्यादा करूंगा मैंने यहाँ पे इसे 10000 कर दिया और इंटर बटन दबा दिया और देखिए 10% आ गया और यहाँ पे केवल 10 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है तो हम यहाँ पे परसेंटेज भी दे सकते हैं शिफ्ट के साथ और मैंने यहाँ पे 5 दबाया और इंटर बटन दबा दिया। अब देखिए यहाँ पे 10% बता रहा है। मैंने यहाँ पे इस तरह फार्मूला लगाना है, इस फार्मूले के लगा के और इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो कैसे लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है तो हमने सीखा।